ओबामा के मुस्लिम वाले बयान पर बवाल जारी है। भारत ने मुस्लिम देशों पर हमले की दिला दी याद। मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी लगाई ओबामा को फटकार। अब ओबामा के मुस्लिम प्रेम पर क्या बोल गए असदुद्दीन ओवैसी। सीरिया, यमन, सऊदी, इराक और न जाने कितने मुस्लिम देश जिन पर बराक ओबामा के कार्यकाल में हमले हुए। जब तक ओबामा शासन में थे तब तक 6 मुस्लिम बहुल देशों को अमरीकी हमले का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज वही बराक ओबामा बड़े बड़े बयान देते हुए भारतीय मुस्लिमों पर बोलकर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। बता दें कि अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारतीय मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान के बाद देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बयान देते हुए कहा था, हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा काबिले जिक्र है। अगर मेरी मोदी से बात होती तो मेरा तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े, ये भारत के हितों के विपरीत होगा। ओबामा के इसी बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है और बीजेपी वाले उनकी आलोचना कर रहे हैं और उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान मुस्लिम देशों पर किए गए हमलों की याद दिला रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बराक ओबामा को जवाब देते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी को 13 देशों ने अपने शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया है जिनमें से 6 मुस्लिम बहुल देश हैं। क्या ओबामा के कार्यकाल सीरिया, यमन, सऊदी, इराक और अन्य मुस्लिम देशों में बमबारी नहीं हुई? माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स। जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप में चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है, राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में, सीरिया से लेकर के यमन के लेकर के सऊदी के लेकर के इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में, कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर उनके भारत के मुसलमानों की सुरक्षा पर दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए मुस्लिमों को लेकर बड़ी बात बोल दी है। ओवैसी ने सऊदी अरब, UAE, मिस्र और दूसरे देशों के मुस्लिमों को लेकर वित्त मंत्री को जवाब देते हुए कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैडम, भारत के मुसलमानों का सऊदी अरब के PM राष्ट्रपति से कोई कनेक्शन नहीं है, यहां के मुसलमान का UAE के राष्ट्रपति से कोई रिश्ता नहीं है, मिस्र के सीसी से हमें कोई मतलब नहीं है, भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को ईरान, UAE, मिस्र, ईरान के नेताओं और मुसलमानों से क्या करना है। ओवैसी ने यह बयान देकर बता दिया कि दुनिया के मुसलमानों के साथ कुछ भी हो जाए उससे भारत के मुस्लिमों को कोई लेना देना नहीं है। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा ने एक बयान जारी किया और उन्होंने अमेरिका के साबिका सदर बराक ओबामा के उस बयान को तनकीद का निशाना बनाया कि बराक ओबामा ने इतने मुस्लिम ममालिक पर बमबारी की। बराक ओबामा के बयान को कंडेम किया और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर 13 अवार्ड मिले तो उसमें से 6 अवार्ड जो उनको मिले वो मुस्लिम ममालिक से मिले, जैसा सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट और शायद नामा याद नहीं आ रहे मेरे को। मैं हमारे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर साहबा को बताना चाह रहा हूं, मैडम अमरावती के और हिंदुस्तान के मुसलमान को
सऊदी अरब के बादशाह से कोई कनेक्शन नहीं है। फिलहाल ओबामा का मुस्लिम प्रेम दिखा और उन्होंने बयान दिया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। इसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि दुनिया में मुस्लिमों के साथ चाहे जो हो जाए, सरकार को भारत के मुस्लिमों का ध्यान रखना चाहिए। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। अमरावती के मुसलमान को UAE के बादशाह से कोई रिश्ता नहीं है, इजिप्ट के सिसी से हमको कोई मतलब नहीं है। अब आप एंटी नेशनल बात कर रहे हैं। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को ईरान के मुसलमानों से क्या करना, सऊदी अरब के मुसलमानों से उनके बादशाह से क्या करना, UAE के बादशाह से क्या करना, इजिप्ट के सरबरा से क्या मतलब, ईरान के वो आयतुल्ला जो भी है लीडर, उनसे हमको क्या करना है। हम इंडियन मुस्लिम है, हम इंडियन मुस्लिम है। वहां पर बादशाहत है मैडम,